ओम राउत निर्देशित फिल्म आदि पुरुष में प्रभास, कृति सेनन, सनी सिंह, देवदत्त नागे और सैफ अली खान प्रमुख किरदारों में नजर आए। प्रभास ने राघव, कृति ने जानकी, सनी ने शेष, देवदत्त ने बजरंग और सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण के किरदार के लिए सैफ अली खान ओम राउत की पहली पसंद नहीं थे? ओम राउत रावण के किरदार में अजय देवगन को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से बात नहीं बनी। रावण के किरदार में सैफ अली खान नज़र आ रहे हैं। भले ही एक्टिंग के लिए उनकी तारीफ हो रही हो, लेकिन लुक्स और वीएफएक्स की वजह से उनको काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस किरदार के लिए ओम राउत की पहली पसंद अजय देवगन थे, जो फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर में साथ काम कर चुके हैं। बताया जाता है कि बिजी शेड्यूल की वजह से उन्होंने फिल्म को मना कर दिया था। आपको बता दें कि 5 दिन में आदि पुरुष का घरेलू कलेक्शन 247 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं वर्ल्ड वाइड फिल्म की कमाई 495 करोड़ रुपए हो चुकी है। फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया, लेकिन उसके बाद सोमवार और मंगलवार को फिल्म का कलेक्शन गिर गया। गौरतलब है कि फिल्म को लेकर काफ़ी विवाद भी देखने को मिल रहा है और फिल्म को बैन करने की मांग भी हो रही है।